ये है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सचिन दिल्ली चैनल पे। और आज हम करने वाले रिव्यू, और रिव्यू किस किस चीज का होने वाला है आपको दिखा देता हूं। ये है मैकबुक प्रो M1, ये है इसका कवर, ये है थंडरबोल्ट, इसका आपको पता चल जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले यूज कर रहा था मैकबुक एयर, लेकिन मुझे अपग्रेड करना था। मोस्टली मेरा यूज जो मैकबुक का है वो वीडियो एडिटिंग के लिए है। पिछले 2-3 सालों से मैं मैकबुक एयर यूज कर रहा था वीडियो एडिटिंग करने के लिए, कि मुझे अपग्रेड करना था तो मैंने लिया है मैकबुक M1 प्रो। पहले आपको बताना चाहूंगा मैकबुक प्रो M1 के बारे में, जो कि 13 इंच का। तो आपको इसमें साथ में मिलता है टाइप सी चार्जर और बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैंने किया ये परचेज 1 महीना पहले, लेकिन रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रॉपर रिव्यू नहीं होने वाला है, खाली आपको कुछ कुछ फीचर्स बता दूंगा इसके, और मैं ज्यादा टेक्निकल पॉइंट तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जो चीजें मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको मैकबुक प्रो 13 इंच में मिलता है M1, जो कि है एप्पल का अपना प्रोसेसर। सो बेसिकली पहले इंटेल था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और उसके कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है। और साथ में आपको मिलता है मैकबुक प्रो में टच बार, टच आईडी, फेस टाइम, जो कैमरा है वो काफ़ी इंप्रूव किया गया है। उसमें मिलता है आपको रेटिना डिस्प्ले, इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। जो एप्पल ने अभी तक क्लेम किया वो आप 18 आवर्स तक कंटिन्यूसली ब्राउजिंग कर सकते हैं और 20 आवर्स तक आप वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो रेंडरिंग टाइम है वो काफ़ी कम है। सो बेसिकली वीडियो रेंडरिंग टाइम क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर में आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर से जब आप वीडियो एडिट करके कंप्लीट करते हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं रेंडरिंग। फ्रेंड्स इतना बड़ा है कि अगर मुझे मैकबुक एयर में एक वीडियो को रेंडर करने में, एक व्लॉग की वीडियो को रेंडर करने में 5 मिनट लगते थे, तो यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है। और बैटरी लाइफ की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप एक बार अगर आप चार्ज कर लेते हैं 100%, तो आप आराम से 1 या 2 दिन, अगर आप 8-8 घंटे भी काम करते हैं, 10 घंटे भी काम करते हैं, तो 2 दिन तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं कितनी बार करता हूँ कि मुझे 1-2 घंटे या 3 घंटे काम करना है, तो मैं अपने मैकबुक को 3-3 दिन तक यूज़ कर सकता हूँ कंटिन्यूसली, मुझे चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर मैं मैकबुक एयर से मैकबुक प्रो को कंपेयर करता हूँ 13 इंच M1, तो इसमें काफ़ी फ़र्क दिखता है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मैकबुक, आई वुड से वैल्यू फॉर मनी है। और आप इसे लीजिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो ये थोड़े से फीचर्स जो मुझे पता है मैंने आपको बताए हैं। थंडरबोल्ट बेसिकली मैंने लिया है अपने मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, जिसको यूज़ करके मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। इसमें साथ साथ अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, 2 USB पोर्ट है, आप डायरेक्ट अपना SD कार्ड लगा सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। बेसिकली अगर आप मैकबुक प्रो ले रहे हैं तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। मैकबुक प्रो लेने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिखी कि ये जब आप यूज़ करते हैं इस लैपटॉप को, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए मैंने जो कि ऑर्डर किया है वो है हार्ड शेल कवर मैकबुक प्रो का, तो ये कवर आप देख सकते हैं। हम इसे इस पे चढ़ा देते हैं और देखते हैं कैसा लगता है ये। तो आप देख सकते हैं कवर, तो बेसिकली आपको अगर आप मैकबुक प्रो खरीदते हैं 13 इंच, तो कम से कम आपको 1,30,000 के अराउंड आपको पैसा खर्च करना होगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सचिन दिल्ली को, और बाकी नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं।